फ्रेंड्स, मैं वसीम फ्रॉम यूनिक टेक्निकल टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावण को परास्त करके सीता जी को वापस लेके आए थे नगर में, तो उनके आने के उत्सव में ये दीपावली मनाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो और एक्सपोज न्यूज़ की जॉइंट कवरेज है जो आप देख रहे हैं। इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की अना सागर लेक की हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ जमा हैं और दिवाली मना रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया दिवाली मना रही है और आपका अलीगढ़ भी कहाँ पीछे रहने वाला है। अलीगढ़ में भी हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाई जा रही है। आसमान में हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई हैं, हर तरफ खुशी फैली हुई है। इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो और एक्सपोज न्यूज आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता है। अलीगढ़ में पिछले 3 दिनों से रौनकें हैं। मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, मंदिरों को भी सजाया गया है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। एक्सपोज न्यूज़ रिपोर्टर ने आपके लिए स्पेशल कवरेज की है श्री गिरिराज जी के मंदिर से। दीपावली का महत्व इतना विशाल है कि इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम वो कारण है कि भगवान श्री राजा राम जी अपने वनवास पूर्ण करने के उपरांत अयोध्या आए 14 वर्ष के उपरांत, तो नगर वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपोत्सव किया, जगह जगह घी के दीपक जलाए, खुशियाँ मनाई। और ये भी कहा जाता है कि इसी दिन वामन अवतार ने महाराजा बलि को उतारा था और उन्हें पाताल का राज दिया था और उनकी सुरक्षा का वचन भी दिया था, तो इस कारण से भी दीपावली मनाते हैं। और इसी दिन बलि के द्वारा जो इंद्र को जीता गया था उनको लोग वापस दिया गया, उसकी खुशी में वहाँ भी दीपावली मनाई गई, यानी दीपोत्सव किया गया। तो काफ़ी सारे कारण हैं और ये दीपोत्सव केवल हिंदू समुदाय नहीं, अन्य लोग भी मनाते हैं। सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है, जैन समुदाय महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। तो किसी न किसी रूप में ये दीपोत्सव पूरे देश में सभी संप्रदाय के लोग मनाते आ रहे हैं। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका से राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से जगमगाया गया था। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी और तब से हर वर्ष दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दे कि पांडवों की भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमगाया गया था और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई थी। तो तभी से दिवाली मनाई जा रही है। हर साल हर्ष और उल्लास के साथ पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जाती है। हिंदुस्तान में भी ज़ोरों शोरों से दिवाली मनाई जाती है, मंदिरों पर धूम रहती है, आरती होती है। अयोध्या में दिवाली के जलवे कुछ और ही होती हैं। अयोध्या की दिवाली बहुत ही शानदार बनाई गई है। शुरू में हमने आपको तस्वीरें अयोध्या की दिखाई थी। वीडियो की शुरुआत अयोध्या की दिवाली से ही की गई थी, क्योंकि बिना अयोध्या से शुरुआत किए हुए वीडियो पूरी नहीं होती है, ना ही कोई कवरेज पूरी होती है। अयोध्या राम की नगरी जो ठहरी। अयोध्या में सरयू नदी में 15 लाख दीपक जलाकर एक रिकॉर्ड भी बनाया गया। आपको एक बार फिर से इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो और एक्सपोज न्यूज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। फिर किसी और न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।